तो फ्रेंड्स अभी पहुंचूंगा मैं अम्बाला। है अभी 72 किलोमीटर अम्बाला यहाँ से। बारिश हुई है पानीपत और अम्बाला के बीच में, बारिश हुई है काफ़ी हुई है, साइडों पे पानी रुका हुआ है, संभल के चलानी चाहिए मुझे बाइक, और मैं वही कर रहा हूँ, इसलिए स्पीड के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं है जितना कि कंट्रोल एंड सावधानी के ऊपर है। तो पीछे अभी मैं पानीपत टोल पे रुका था, चाय पीने का दिल किया मेरा, थोड़ा लग रहा था कि सुबह का चला हूँ 4 बजे का, और रास्ते में 2 घंटे तो गाँव के अंदर अंदर से घूम के ही निकल गए। तो अभी ये जो सफ़र है देख रहे होंगे आप, यहाँ से दिखा रहा है आपको लुधियाना 186, अम्बाला भी है 72। तो चलिए आपके साथ सफ़र करता हूँ आगे का कुछ देर के लिए, आप भी आनंद लीजिए इस वीडियो का। तो थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया है, अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ काफ़ी संभल के बाइक चलानी पड़ रही है, कहीं भी रोड जो है स्लिपरी हो सकता है, और दूसरों का भी ध्यान रखते हुए रोड के ऊपर सभी व्हीकल्स की रेस्पेक्ट करते हुए चलता हूँ मैं, और वही कर रहा हूँ। तो बढ़िया मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया है, और सामने से के नज़ारे आप देखिए मेरे साइड पे, लंबे लंबे यूकलिप्टस, दोनों तरफ सुंदर नज़ारा है। ये मैकडोनल्ड जिसको मैकडी बोल देते हैं शॉर्ट में, और ये है जी झिलमिल ढाबा, झिलमिल ढाबा इस फ्लाईओवर के नीचे है और मैं निकल रहा हूँ ऊपर से। अब जो गाड़ियाँ मेरे से आगे जा रही हैं वो पानी की एक हल्की सी बौछार अपने टायरों से बिखेरती हुई जा रही हैं, जो कि मेरे कैमरे पर भी छींटे पड़ रहे होंगे, GoPro 9। हीरो ब्लैक, मज़ा आ रहा है। बस यही है कि अभी काफ़ी सावधानी से, क्योंकि रोड पूरा गीला है और मुझे काफ़ी सावधानी से ड्राइव करना पड़ रहा है, और वही एडवाइजेबल भी है, करना चाहिए भी। तो इस वक्त ये नहीं इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं किस जगह पर कितनी जल्दी पहुंचता हूं, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं सुरक्षित पहुंचता हूं और दूसरों की भी सुरक्षा अपने ध्यान में रखता हूं। तो आप आवाज़ें देख रहे होंगे, काफ़ी नॉइस है आसपास जो व्हीकल निकलते हैं, और जो मेरे अपने क्रूज़र क्वीन की आवाज़ है, इंटरसेप्टर 650 की, वो भी आपको सुनाई दे रही होगी। थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ाई है,
लेकिन अभी भी मैं 70 के आसपास ही चल रहा हूँ, जो कि नीचे आके कभी 60 पे ले आता हूँ। देख रहे होंगे आप, अभी 60 पे आ गई है। तो हालांकि रोड दूर तक खाली है, लेकिन रोड गीला है, तो गीले रोड पे आपको संभल के, या फिर पथरीले रोड पे जहाँ पे छोटी छोटी बजरी सड़क के बीचों बीच होती है, वहाँ पर भी आपको संभल के काफ़ी सावधानी पूर्वक चलाना होता है। यही मैंने अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो अभी तक का है उसके बेसिस पे सीखा है। और बैक व्यू मिरर जो हैं दोनों, इसीलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे पीछे के जो व्हीकल्स हैं उनकी पोजीशन पता लगती रहे, उनकी जो स्पीड है पता लगती रहे, और मैं उसी अकॉर्डिंगली मतलब अपने आप को पोजीशन कर पाऊँ रोड पे और उनको जगह दे पाऊँ। कई बार क्या होता है कि बैक व्यू मिरर में आपको पता लग जाता है कि पीछे वाला व्हीकल जो है काफ़ी तेज़ी से आ रहा है और आपको गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप उसको लेफ़्ट साइड से कोशिश करें, इशारा करें कि वो ना जाए, और राइट साइड पे अगर आपको जगह मिल रही है तो उसको राइट साइड पे इशारा करें कि वो राइट साइड से ओवरटेक करें। वही सुरक्षित है और वही तरीका जो है सेफ है, राइट साइड से ओवरटेक करना। वैसे तो देखा जाए हाईवे पे ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक 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 रीज़नेबल स्पीड पे गाड़ी चलाने का मौका मिलता है, यानी आप मेंटेन कर पाते हैं 70-80 की स्पीड। अगर आप चाहते हैं तो 80 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ व्हीकल्स उससे ऊपर जाना चाहते हैं, ऊंचाई मतलब बियॉन्ड 80-90 ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको आपको जगह देनी चाहिए राइट साइड से, और सेफली वो निकल जाएं और आप भी सेफ रहें। तो ये देखिए कौन कौन से नाम है, तरावड़ी, शामगढ़, और अभी अंबाला आने वाला है, और ये कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं मेरे सामने नीचे हाईवे पे। तीन लड़के थे, तीन बच्चे थे, यंग फेलोस, तो मैंने भी उनको वेव कर दिया। ये एक स्पिरिट बिल्डअप होती है जब आप लंबे रूट के लिए निकलते हैं, लंबे जर्नी के लिए निकलते हैं, तो एक स्पिरिट बिल्डअप हो जाती है, एक उमंग सी रहती है मन में, जिसको कि मैंने अनुभव करना शुरू कर दिया है अपनी इस दिल्ली से ले लद्दाख की जर्नी में। तो इस जर्नी को करने का मेरा मकसद अपने आप को महसूस करवाना कि अक्टूबर में, जबकि टूरिस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है लेह में, और बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है, पर्टिकुलरली